आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज कुकिंग BHS में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर कचौरी। तो उसके लिए किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी और कैसे बनेगा, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। मटर कचौरी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले आटा, ताज़े मटर ले लिए, 5 से 6 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और कुछ अपना हरा धनिया। मटर को हम ग्राइंड कर लेंगे, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। हमने यहाँ पे 1 कप मटर लिया है, ये आपका हरा धनिया आ गया, हरी मिर्च, अदरक के हमने टुकड़े कर लिए हैं, मटर को हमने दरदरा कर लिया है, हमने इसे पेस्ट नहीं बनाना है। दोस्तों जो हमने ये मटर का पेस्ट निकाला है इसको हम हल्का सा तेल में भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। मटर को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में तेल गर्म कर लिया है। तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच डाल रहे हैं हम अजवाइन, 1 चुटकी हींग। जीरा को भून लेंगे। अब हम अपना ये पेस्ट डाल देंगे इसमें। मटर हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसको आटे के साथ भून लेंगे। अभी जो हमने मटर का पेस्ट बनाया है इसको हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 कटोरी आटा और 1 कप मटर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अभी हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पहले। अभी हम पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको आटे को मटर के साथ मिक्स कर लेंगे एक बार। आटा और मटर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। आटे का डो हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हम घर पर रोटी वगैरह बनाते हैं। कचौड़ी के टेक्सचर और फ्लेवर को हम बढ़ाने के लिए उसमें 1 चम्मच घी का यूज़ कर रहे हैं। घी से एक बहुत बढ़िया सॉफ्टनेस भी आएगा इसमें। ये हमने एक मुलायम डो तैयार कर लिया है और ये रेडी है। इसको हम ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे, अब हम तेल गर्म कर लेंगे और इसे हाथों हाथ फ्राई करके निकाल लेंगे। पहले हम इनके एक छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं इस प्रकार से। आप चाहे तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसे गोल गोल बेल लिया है, आप हाथों के सहारे या बेलन के सहारे बेल सकते हैं। अब इसे हम जल्दी जल्दी निकाल लेंगे तेल में। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसे हम मीडियम आंच पे पका लेंगे। इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे बैठ ना जाए। दोस्तों इस कलर में जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आप देख सकते हैं कचौरी बनकर रेडी है। हम इसको एक पीस आपको तोड़ के दिखाते हैं। अंदर से भी ये कुक हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।